देखिए राइट टू एजुकेशन की कहानी ये है कि जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में बहुत सारी डिबेट्स चल रही थी और बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे थे। ये सारे डिस्कशन और डिबेट्स रिकॉर्डेड हैं, आप जब चाहें तब उनको पढ़ भी सकते हैं। तब वीडियोग्राफी का जमाना नहीं था तो वीडियोज नहीं अवेलेबल है, लेकिन स्क्रिप्टेड हैं सब। तो कुछ अजीबोगरीब मांगे भी हुई, जैसे मैं आपको पीछे बताता रहता हूं कि एक प्रपोजल ऐसा आया था कि हम दुनिया के सबसे आजाद मुल्क बनने जा रहे हैं तो हमारे देश में पुलिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है वो अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। एक प्रपोजल ऐसा आया कि भारत में जेलों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जेल गुलामी का प्रतीक है। एक प्रपोजल इस तरीके का आया था कि राइट टू वेपन हमारे देश में फंडामेंटल राइट होना चाहिए, शस्त्र रखने का अधिकार मूल अधिकार होना चाहिए, अभी लीगल राइट है ये। अब आप कल्पना करिए, शस्त्र रखने का अधिकार मूल अधिकार है, जेलें हैं नहीं, पुलिस होती नहीं है, आज का हिंदुस्तान कैसा होता? तालिबान, इराक, ऐसा ही तो होता। तो कभी कभी ऐसी भी फ्रीडम घातक हो जाती है जो ओवर एक्साइटमेंट को बढ़ावा दे दे। तो ये तो हो गए ऐसे प्रपोजल्स जिनको नहीं माना गया था। इनमें एक प्रपोजल ऐसा था कि इस देश में पढ़ाई लिखाई फ्री होनी चाहिए, यानी कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। लेकिन अब समस्या ये आ रही थी कि संविधान तो बन रहा है लेकिन देश की माली हालत अच्छी नहीं है, खाने पीने की कमी है देश में, पैसे नहीं है, 6.5 लाख गांव है उस जमाने में। अगर राइट टू एजुकेशन दिया गया और हर गांव में एक स्कूल भी अगर बनाया गया, और केवल गांव में स्कूल बनाया गया, शहर में बनाए ही ना जाएं, तो भी 6.5 लाख स्कूल बनाना और कम से कम इतने ही शिक्षकों की भर्ती करना, ये उस जमाने में पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। न सरकार के पास बजट था, ना इस देश का लिटरेसी रेट इतना ज्यादा था। लेकिन मांग एकदम जायज थी, मांग में कहीं कोई कमी नहीं थी। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 45 के अंतर्गत रखा गया, और आर्टिकल नंबर 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में आता है, और नीति निर्देशक तत्वों में लिखी हुई हर बात सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को पूरी करनी चाहिए, हालांकि बाध्यकारी नहीं है। तो लंबे समय तक ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत पड़ा रहा और मांग भी होती रही कि इस देश में शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 50 साल लगे इसकी सुनवाई होने में, और फाइनली 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट मान लिया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेदों को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, ऐसी भी एक व्यवस्था है, तो राइट टू एजुकेशन को भी सब क्लॉज में कहीं पर डालना पड़ेगा। 45 सब क्लॉज एक कर नहीं सकते क्योंकि वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, हमें इसे फंडामेंटल राइट बनाना है। तो हमने राइट टू एजुकेशन को 21 सब क्लॉज ए के अंतर्गत रखा। तुरंत एक सवाल पैदा होता है कि आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, और राइट टू एजुकेशन को 21 ए में रखा गया, वहां पे फांसी देने की प्रक्रिया है, वहां पे यूथनेशिया है, वहां पे एजुकेशन का क्या काम है? बिल्कुल एजुकेशन का काम है। दो बड़े रीजन है। पहला रीजन, राइट टू एजुकेशन इज योर पर्सनल लिबर्टी, आजादी है, शिक्षा प्राप्त करने की आजादी है, कोई रोक नहीं सकता। दूसरा रीजन, अगर पढ़ोगे लिखोगे शिक्षा प्राप्त करोगे, शायद ऐसी नौबत ही कभी नहीं आएगी कि आपको फांसी लगे। तो राइट टू लाइफ को भी ये सिक्योर करता है और पर्सनल लिबर्टी को भी ये सिक्योर करता है, इसीलिए बहुत खूबसूरती से हमने राइट टू एजुकेशन को 21 ए के अंदर जाकर के प्लेस कर दिया। आगे बात समझ में। अब ये राइट मिला किसको? तो ये राइट मिला 6 to 14, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को। कैसा राइट है? तो फ्री एंड कंपलसरी, इसीलिए आप लोग लिखते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी राइट फॉर द चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। अब 6 साल का बच्चा जब होता है तो फर्स्ट क्लास में पहुंच जाता है, तो पहली कक्षा से सरकार उसको पढ़ाना शुरू कर देगी, और जब बच्चा 14 साल का होगा तो 8वीं क्लास में पास कर जाएगा वो, 16 साल में लोग 10th करते हैं। तो प्राइमरी एजुकेशन पूरी तरीके से सरकार आपको दे रही है, फ्री में दे रही है, कंपलसरी दे रही है, अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का प्रावधान।
आगे बात समझ में। लेकिन ध्यान रहे, राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यह बात आपको समझ आ गई। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी है, यह भी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये बात कम लोगों को पता होती है। तो जब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो संशोधन दो जगहों पर हुए थे, एक तो मूल अधिकारों में हुए थे और दूसरे मूल कर्तव्यों में, मौलिक कर्तव्यों में भी हुए थे। आप लोग बचपन से ही अपनी किताब के पीछे सबसे पीछे वाले पेज में एक तिरंगा झंडा और 10 नियम पढ़ते आ रहे होंगे, बस उन्हीं को कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बचपन में वो आपने 10 पढ़ी होंगी, हालांकि आप लोगों के बचपन में आपने 11 पढ़ी होंगी, मैंने अपने बचपन में 10 पढ़ी। लेकिन 2002 में जब ये अमेंडमेंट हो गया उसके बाद अब वो बढ़ के 11 हो गई हैं, 51K। अब 51K में बताया क्या गया, यदि किसी बच्चे के माता पिता, अभिभावक, पेरेंट या गार्जियन हैं तो उनकी ड्यूटी है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। आगे बात समझ में, यानी कि माता पिता का भी ये दायित्व है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं, केवल बच्चे का दायित्व नहीं है कि वो राइट टू एजुकेशन लेगा। आगे चल के जब ये आर्टिकल जोड़ा गया तो सरकार की बहुत प्रशंसा हुई, सरकार की बहुत तारीफें हुई। इन तारीफों का नतीजा ये हुआ कि सरकार ने और प्रमोशंस दिए। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बचपन में स्कूल चले हम, एक एड आया करता था उसमें बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन जब राइट टू एजुकेशन आया तो स्कूलों में जो अटेंडेंस थी वो परसेंटेज उसका बहुत कम था, लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं थी कि स्कूल चलो। फिर सरकार ने धीरे धीरे कहा कि भैया आओ यूनिफॉर्म फ्री में देंगे, तो थोड़े से बच्चे और आने लग गए यूनिफॉर्म के चक्कर में। फिर सरकार ने कहा किताबें फ्री में देंगे, आओ तो फिर बढ़े कुछ बच्चे। लेकिन फाइनली जब सरकार ने कहा कि तुम बस आ जाओ हम खाना भी देंगे, और मिड डे मील का कॉन्सेप्ट आया, मध्यान्ह भोजन, दोपहर का खाना भी देंगे, तुम बस चले आओ, बैग हमारा, कॉपी किताब हमारी, ड्रेस हमारी, खाना भी हमारा, तब जाकर के स्कूल में बच्चे आना शुरू हुए। और आज बहुत अच्छी तरीके से राइट टू एजुकेशन चल रहा है, गांव में बच्चे बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ते हैं, अटेंडेंस रेट भी बहुत अच्छा है, और जो ईमानदार टीचर हैं जो सिर्फ पढ़ाने पे विश्वास करते हैं तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे दे भी रहे हैं। तो ये हो गई राइट टू एजुकेशन की पूरी कहानी। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? कोई डाउट है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं।